सुप्रभात बच्चों, चलिए आज फिर हम पार्ट तीन पढ़ेंगे, बस की यात्रा। पार्ट वन में पाठ के बारे में हम पढ़े, पाठ में क्या क्या लेखक कहना चाह रहे हैं उसके बारे में हम जाने। आज पार्ट टू हम पढ़ेंगे, पार्ट टू में क्वेश्चन आंसर करेंगे। कारण बताइए, ये पांचों जो है प्रश्नों का उत्तर हम आपको लिखने के लिए बताएंगे और आप उसी प्रकार जो है कॉपी में लिखिएगा। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा जो है ये देख रहे हैं कि हर प्रश्न के पहले एक जो है इन्वर्टेड कॉमा लगा करके लिखा गया, यानी उद्धरण चिन्ह जो बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह लगा करके लिखा गया है। ऐसा क्यों लिखा गया है? ऐसा जब लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा जब लगता है तब हम क्यों ऐसा मतलब लिखते हैं उसके बारे में जान लीजिए। यहाँ दिया है, जब किसी के कहे गए शब्दों या किसी रचना के अंशों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए रचना के आगे जो है और अंत में ये चिन्ह लगाया जाता है। ज्यों का त्यों जो है उनके रचना या अंशों को शब्दों को कहे गए लिखते जब हम हैं, यहाँ उद्धरण चिन्ह या जो है इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर वन है, मैं उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? क्वेश्चन नंबर वन क्या है? लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? क्यों जाग गई लेखक के मन में? लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति से भली भांति परिचित थे, उसके बावजूद भी जो है बस को चलाने का साहस रखते थे। भली भांति परिचित थे कि बस किस स्थिति में है, बस की कंडीशन क्या है, बस कितनी दूर जा सकती है, सब कुछ जानते थे, उसके बावजूद जो है साहस रखे थे बस को चलाने की। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब प्रशंसा कर रहे थे। बस बहुत पुरानी थी लेकिन इसकी प्रशंसा खूब कर रहे थे। मुंह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना, बस के प्रति उनके अंदर मुंह की भावना ज्यादा थी जिससे जो है आत्म बलिदान, उसमें जानते थे कि इस बस में बैठे शायद मैं भी जो है कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उसके बाद ऐसी भावना दुर्लभ यानी बहुत कठिनाई से किसी के अंदर जो है देखने के लिए मिलती है। यही सब देख करके लेखक जो है हतप्रभ हो गए थे कि इन सब जानने के बावजूद भी इस बस को जो है चला रहे हैं और इसमें खुद बैठे हैं। लेखक के मन में उनके प्रति श्रद्धा के भाव बढ़ गए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू है, इसमें पहले आपको दिया हुआ है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? क्वेश्चन नंबर टू क्या है? लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने यह सलाह इसलिए दी कि वे जानते थे कि बस की हालत खराब है। वहां उपस्थित जितने लोग पहले से वहां रहते थे आसपास में, वो जानते थे कि बस की स्थिति कैसी है, बस किस कंडीशन में है, बस कब और कहां खराब हो जाए कुछ कहना मुश्किल था। बस जो है किस जगह पर ले जा करके इन यात्रियों को जो है छोड़ दे, ये सब कहना मुश्किल था। बस यात्री को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी, ये सब जो है बस को देख करके कहना मुश्किल लग रहा था। इसलिए वहां उपस्थित लोग लेखक को मना किए कि शाम के बस से जो है सफर नहीं करनी चाहिए। दिन रहेगा तो कोई ना कोई हम और व्यवस्था करके अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन रात के समय ये सब मुश्किल होता है। शाम को जाएंगे, रात में जाएंगे तो सब समस्याएं जो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, और बड़ी हो जाती हैं। इसलिए वहाँ के लोग मना कर रहे थे कि इस बस से शाम को सफर नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा क्यों लगा कि सारी बस ही इंजन है? लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब वह जोर की आवाज करते हुए हिलने लगी।
हिलने तथा जोर की आवाज होने पर लगा कि पूरी बस ही जो है इंजन बल गई है। आप देखे होंगे कभी बस में जाते समय, जब बस स्टार्ट होता है तो बाकी बस में तो कंपन नहीं होता है, लेकिन इंजन के पास जो है वो वहां पर देखिएगा कि कंपन होता है, इंजन जो है हिलने लगता है, जोर जोर से आवाजें उसमें आने लगती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, इंजन तो होता है अलग बात है, बस के अंदर भी उसी प्रकार हो रहा था, पूरी बस जो है हिल रही थी। इसलिए जो है लेखक को लग रहा था कि हम जो है बस में नहीं, हम इंजन में ही बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। जब हिस्सेदार साहब बस की प्रशंसा कर रहे थे कि बस चलेगी क्यों नहीं, बस तो चलेगी अपने आप ही चलती है, तो इस पर लेखक क्या बोले थे, गजब हो गया, ऐसे जो है आश्चर्यजनक बातें जो है सुनने के लिए हमें मिल रही कि इस कंडीशन में, इतनी खराब जर्जर अवस्था में बस है और ये बस भी अपने आप चलती है, ये तो सुनकर के बहुत जो है आश्चर्य हो रहा है। लेखक को यह सुनकर जो है हंसी आने लगी, इसलिए कि वह तो अत्यंत पुरानी बस थी। क्यों लेखक को हंसी आ रही थी कि बस अत्यंत पुरानी थी, उसकी टूटी फूटी अवस्था को देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि अपने आप चलेगी, इस बस को तो धक्के देकर के चलाया जा सकता है, और ऐसी बस के बारे में हम बोल रहे हैं कि ये बस जो है अपने आप चलती है, इसलिए लेखक को जो है आश्चर्य हो रहा था, हैरानी हो रही थी। और हिस्सेदार साहब की बातों पर जो है उनको बहुत जो है अंत में उनके मुंह से निकल आश्चर्य होने लगा कि गजब बात बता रहे हैं, इतनी खराब स्थिति है इस बस की, और बोल रहे कि ये बस अपने आप ही चलती है बिना किसी के धक्का दिए ही, और इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि बिना धक्का दिए चल ही नहीं सकती है। इस प्रकार आप इसको आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस कहीं भी रुक सकती है, कहीं भी इसके स्टेयरिंग टूट सकते हैं, ब्रेक फेल हो सकते हैं, ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि ये बस कहीं जा करके किसी पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि बस जाकर के किसी भी पेड़ से कहीं ऐसा ना हो टकरा जाए और हम लोग जो है अंत यहीं पर हमारा अंत हो जाए, अपने गंतव्य तक हम पहुंच न पाए, इन्हीं सब कारणों से लेखक को डर लग रहा था। इस प्रकार आप इन पांचों प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। एडिशनल क्वेश्चन कैसे लिखना है इसके पहले भी मैं आप लोगों को बताई हूँ, जैसे आप एडिशनल क्वेश्चन एक एक नंबर के बना सकते हैं। बस इंजन जैसा क्यों लग रहा था, क्यों लग रहा था, बस काफी पुरानी थी इसलिए वो बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी, पुरानी थी आवाज कर रही थी, आवाज होने के कारण वह इंजन जैसी लग रही थी, ये लिख सकते हैं आप आंसर। कितने मित्रों ने शाम की बस से सफर करने का निर्णय लिया था, कितने मित्रों ने लिया था, 5 मित्रों ने लिया था, स्टार्टिंग में पाठ में जिक्र हुआ ना 5 मित्रों ने। किसको देखकर श्रद्धा उमड़ पड़ी, लेखक के मन में किसको देख करके श्रद्धा उमड़ पड़ी, बस को देख करके कि ये बस जो है कितनी पुरानी है, इसकी स्थिति सही नहीं है, फिर भी जो है सफर कर ले जाने पर लोगों को यहाँ खड़ी है, उस ये बस को देख करके उनके मन में क्या हो गई, श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस किससे ज्यादा विश्वसनीय लग रही थी, बस जो है किससे ज्यादा विश्वसनीय लग रही थी, नई नवेली बसों से ज्यादा। पुराने चीजों को लोग बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा विश्वसनीय, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, नए लोगों के पास अनुभव कम होता है, इसलिए नई नई बसों से जो है पुरानी बस जो है ज्यादा विश्वसनीय लग रही थी। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। कितने मील दूर चलने पर सारे भेदभाव मिट गए थे, कितने मील दूर चलने पर, 8 से 10 मील दूर चलने पर सभी जो मन में भाव थे गंतव्य तक पहुंचने के, वो सभी क्या हो गए थे, मिट गए थे। वृक्षों की छाया के नीचे बस कैसी लग रही थी, उसकी स्थिति कैसी लग रही थी, दयनीय लग रही थी।
किसकी टंकी में छेद हो गया था, बस के अंदर जो पेट्रोल की टंकी होती है उसमें छेद हो गया था। उस समय प्रकृति के दृश्य कैसे लग रहे थे, कैसे लग रहे थे प्रकृति के दृश्य, लुभावने लग रहे थे। बस की यात्रा के लेखक का क्या नाम, बस की यात्रा के लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। लेखक ने कहां पहुंचने के लिए बस यात्रा का कार्यक्रम बनाया, कहां पहुंचने के लिए, लेखक पन्ना से सतना पहुंचे और वहां से जबलपुर जाने के लिए, तो सतना पहुंचने के लिए लेखक ने बस यात्रा का कार्यक्रम बनाया था। इस प्रकार आप एडिशनल क्वेश्चन बना करके लिख सकते हैं, 20-30 शब्दों में भी आप क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। बस की हालत कैसी थी उसके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। बस की हालत देखकर सवारियों को डर क्यों लग रहा था, उसमें जितने भी पैसेंजर बैठे थे उनको डर क्यों लग रहा था। लेखक और उसके दोस्त फौरन खिड़की से दूर क्यों सरक गए, ये भी आप एक प्रश्न बना सकते हैं। असहयोग आंदोलन और बसों में कैसी समानता थी, कैसी समानता थी, दोनों की तुलना यहाँ पर की है तो कैसी समानता थी उसके बारे में आप लिख सकते हैं। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार के बारे में क्या कहा है, क्या कहा था हिस्सेदार साहब के बारे में, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आपको बन सकता है। इस प्रकार जो है आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन जो है आराम से कर लेंगे, मुझे विश्वास है